हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश चौहान आपका दोस्त फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल पे जिसका नाम है ऑनलाइन सेवा। दोस्तों, आज का टॉपिक एक नए सर्कुलर के ऊपर है जो कि कल के डेट 10 जून 2020 को रिलीज हुआ है। तो वो सर्कुलर क्या है, उसी सर्कुलर को लेकर ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। उस सर्कुलर के अकॉर्डिंग हम ये जानेंगे कि अब हम अपना ITC क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अगर वो हमारे GSTR 2A में रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो क्या हम उसका ITC क्लेम कर सकते हैं? कर रहा है तो अच्छी बात है, ITC क्लेम हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे GSTR 2A में वो इनवॉइस शो नहीं हो रहे उनसे रिलेटेड, तो क्या मैं उसका ITC क्लेम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। उसी चीज़ को लेकर गवर्नमेंट ने या CBIC साइड कह लीजिए एक नया सर्कुलर उन्होंने वहाँ पे रिलीज़ कर दिया है, जिसके थ्रू मैं आप लोगों को साथ के साथ बताऊंगा कि अब आप अपना ITC क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा कि आपने अगर अभी तक हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों ये ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ लगभग करीब 2,500 से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑनलाइन, और वो घर बैठे ही सारे कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं अपना, चाहे वो टैली ERP 9 प्लस GST हो या टैली ERP 9 प्लस TDS हो। बहुत ही कम प्राइस रखा गया है पूरा कोर्स। अगर मैं टैली ERP 9 की बात करूँ तो आप लोग देख सकते होंगे स्क्रीन पे भी 1499 रुपये का है ये। ये पूरा कोर्स आपको 1499 में यानी वन टाइम पेमेंट है, लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो आप इस वेबसाइट पर जाइए, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहाँ पर आकर घर बैठे अकाउंट में परफेक्ट बन सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक, और आज के टॉपिक के थ्रू मैं आपको बताता हूँ जो कि नया सर्कुलर आया था हमारा, सर्कुलर नंबर 139/9/2020 GST। ये सर्कुलर क्या है, इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप अपना ITC क्लेम कर सकते हैं या नहीं, अगर वो आपके GSTR 2A में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। आप लोग डेट देख सकते होंगे यहाँ पे, 10 जून को ये रिलीज हुआ है यहाँ पे। अब चलिए, इस सर्कुलर से पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पीछे कहने का मतलब, इससे पहले जो एक नया सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर 135/5/2020 GST, जो कि 31 मार्च को ये रिलीज हुआ था। ये सर्कुलर क्या कहता था कि आप ITC क्लेम नहीं कर सकते अगर आपके GSTR 2A में इनवॉइस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। और ये किससे रिलेटेड था? ये दोस्तों रिलेटेड था आपका RCM से रिलेटेड, और ये आपका इम्पोर्ट जो होता था उससे रिलेटेड था, और दूसरा जो ISD था, यानी ISD इनवॉइस हो गया हमारा, RCM इनवॉइस हो गया हमारा, और इम्पोर्ट जो इनवॉइस होते थे वो हमारे GSTR 2A में अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था तो उस केस में हम उसका ITC क्लेम नहीं कर पा रहे थे। हालांकि गवर्नमेंट ने कह रखा था कि आप अगर आपके पास इनके कॉपी हैं तो आप इसको अपलोड कीजिए, अपलोड करने के बाद आप इसका रिफंड ले सकते हैं, यानी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, तो उसी बात को लेकर ये नया सर्कुलर आया है। हालांकि पहले कन्फ्यूजन भी था कि हम इसका ITC क्लेम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे GSTR 2A में नहीं आ रहा, तो ये जो सर्कुलर आया हमारा नया सर्कुलर 139/9/2020, ये सर्कुलर क्या कहता है? ये सर्कुलर कहता है दोस्तों कि अगर आपके GSTR 2A में RCM से रिलेटेड, इम्पोर्ट से रिलेटेड और ISD से रिलेटेड इनवॉइस अगर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा तब भी आप उसका ITC क्लेम कर सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया, आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी हो दोस्तों। और बहुत दिनों से मन में ये डाउट था कि हम उसका ITC क्लेम करेंगे नहीं करेंगे अगर वो हमारे GSTR 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो उसी को लेकर ये सर्कुलर था और इस सर्कुलर को मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई हो दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कर लें और बेल बटन को ऑन करना ना भूलें ताकि आप तक टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुँचता रहे जब भी यहाँ पर मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, और हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए अभी वेबसाइट पे विजिट करें। थैंक यू सो मच।